ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अमित, वीडियो में स्वागत है आपका। और गाइस, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसी जगह पर जो आपने नहीं देखी होगी और या फिर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जनरली बहुत ही बढ़िया जगह है और मैं आपको बता दूँ, मैं इस समय जो खड़ा हूँ आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरे पीछे जो है वहाँ सामने वो देखिए, वो सारे जो एरोप्लेन्स खड़े हैं यहाँ पर। तो उससे मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं आपको कहाँ पर लेकर आया हूँ। तो गाइस, मैं आपको लेकर आ गया हूँ एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में, जो कि पालम एयरपोर्ट से जस्ट नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है मेट्रो स्टेशन का, वहाँ से है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है ये एक बिल्कुल ही अनोखा जो म्यूज़ियम है एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। और ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसको डेडिकेटेड है, और ये जो है दिल्ली के एयरफोर्स जो कंटेनमेंट एरिया है ना, वहाँ पर बनाया हुआ है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। और देखिए, ये जो है इसका कंपाउंड है, वो है सामने, वो है उसका एंट्रेंस वहाँ पे सामने जो है। और इधर एक कैफेटेरिया है, यहाँ पे ये एंट्रेंस है। और ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, आपको ये म्यूज़ियम का बहुत ये पूरा मैं आपको ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। और यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, पहली मिसाइल बनी हुई है यहाँ पर, लेज़र गाइडेड मिसाइल यहाँ पर ये बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आता है वो आता है सदर बाज़ार कंटेनमेंट एरिया जो है मेट्रो स्टेशन है, वो यहाँ पर आप आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आपको ई रिक्शा मिलेगा जो आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन लेता है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ का एरिया दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना म्यूज़ियम में चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये देखिए, पहला एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। और ये रियल एयरक्राफ्ट है, ये कोई रेप्लिका नहीं बनाया हुआ, ये सबको यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये सबसे पहला है HF-24 मैरिट करके बना हुआ है। काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट है, लेफ्ट ये लेफ्ट में दिया हुआ है, राइट में आपको दिखाऊँ यहाँ पर अपोलो ल्यूनर मॉड्यूल दिया हुआ है यहाँ पर, ये बनाया हुआ है जो कि स्पेसशिप का कोई मॉड्यूल है, वो यहाँ पे दे रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ते हुए दिखा रखा है, और ये पूरा यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, और बिल्कुल एंट्रेंस में सबसे पहले लेफ्ट में आपको ना एक विंटेज कार दिखाई देगी यहाँ पर। और ये ऊपर से यहाँ पर सायरन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो सायरन है ये इस पर लिखा हुआ है फोर्ड सैलोन कार, ये लिखा हुआ है, ये देखिए। और आप देखिए यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड जो है, पूरा म्यूज़ियम जो बना हुआ है, एक तरह का जो बंकर होता है ना, उसमें ये बना के रखा हुआ है। अभी उधर लेके चलता हूँ आपको मैं, फ़िलहाल इधर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे ऊपर देखिए ये एम्बलम बने हुए हैं वहाँ पर काफ़ी सारे, एक स्टैचू बीच में है यहाँ पे, ये दिखाता हूँ, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह समथिंग जो वहाँ के ऑफिसर रहे होंगे ना, उनके बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा एक ये है, ये देखिए, ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट है सारे, इनकी मोटर और काफ़ी सारी जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते होंगे वो है। ये देखिए यहाँ पे, ये कोई फेमस फ्लाइंग ऑफिसर रहे होंगे, निर्मल जीत सिंह सेखन जो है उनकी यहाँ पर स्टैचू दे रखी है, और काफ़ी बड़ा स्टैचू दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट जो है ना, एक इधर अप साइड इस साइड में रखे हुए, एक उस तरफ ऐसे करके रखा है ताकि लोग देख सके दोनों साइड से। यहाँ देखिए एक ये भी है, काफ़ी बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। व्यूइंग गैलरी भी है एक यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, उसका रास्ता जो है वो वहाँ उधर से बनाया हुआ है। मैं उसके बाद उस तरफ मैं बाद में चलता हूँ, पहले आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, जनरली सारे जो एयरक्राफ्ट्स है ना सिल्वर कलर में ही यहाँ पे है, और कुछ न्यू जो है एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ प्लेन्स जो यहाँ पे देखिए, एक ये है लिंस लाइसेंडर MK2 समथिंग, एक ये बिल्कुल अभी देखो ये पैक कर रखा है, ये यहाँ पर आई थिंक इंस्टॉल किया जाएगा अभी। एक ये कानपुर 2 करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए इतना बड़ा जो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। और
ये देखिए रैपिड MK12A, ये जो काफ़ी बड़ा ग्लाइडर है ये, और ये अब उस टाइम यूज़ किया गया होगा वॉर के टाइम पे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह भारतीय वायुसेना का प्रथम वायुयान है जिस पर प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षित हुए, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है जो अर्लियर जो 2 साल थे उसमें इनको जो है यूज़ किया गया था अलग अलग तरीक़ों से, और ये इसके हिस्ट्री दे रखी है। और आप देखिए पीछे भी ना वहाँ पे, वो देखिए वो सामने भी एक काफ़ी लंबा एयरक्राफ्ट है, मैं आगे से दिखाऊँगा आपको। और गाइज ये बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी गर्मी का टाइम है, अक्टूबर का महीना है और इस समय दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो रही है, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे बच्चों को भी मज़ा आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट्स रखे हुए, ये देखिए ये क्रीम कलर का जो एयरक्राफ्ट है यहाँ रखा हुआ है, इसका नाम है ओखा, और इन सब के डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए थंडर बोल्ट्स लिखा है इसके ऊपर, ये देखिए कितना बड़ा एयरक्राफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा। और ये देखिए इसके आगे एक मिसल भी, और एक कोई बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड वन है वो यहाँ पे है, जो कि इसको कुछ हुआ होगा, ये जब कभी क्रैश हुआ होगा तो उसका जो पूरा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है लिखा हुआ है, ये लिखा है ना टेल पोर्शंस ऑफ सुखोई, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त होने के कारण इसको यहाँ पे लाया गया था, ये जस्ट डिस्ट्रक्टेड पार्ट है यहाँ पे। और ये देखिए ये एक और काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है यहाँ पे। ये जो प्लेन्स और एयरक्राफ्ट है उनको वैसे तो उड़ते देखा ही होगा जनरली, लेकिन 15 अगस्त पर आपको पता ही है, 26 जनवरी पर भी काफ़ी सारे प्लेन्स को दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरह से सामने जो डिस्प्ले में रखा हुआ ना, बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस भी है। और ये देखिए कितना अच्छा एयरक्राफ्ट रखा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है, इसको बोलते हैं स्पिटफायर, ये देखिए इसका नाम दिया हुआ है 1944 वर्ल्ड वार के टाइम पे यूज़ हुआ होगा, स्पिटफायर नाम है इसका। और काफ़ी लोग आए हुए हैं और अच्छी बात है, ये देखिए इसका नाम है कृषक, ये ग्रीन कलर का इसके जो एयरक्राफ्ट का कलर है ना ग्रीन कलर में दे रखा है, इस तरह से बना हुआ है ये। और ये देखिए एक बोइंग है, ये एक तरह का ये भी है ये का, ये देखिए। तो आई थिंक गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको यहाँ पर जो है लेकर आया हूँ आज एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में दिल्ली में, और ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इतना बड़ा कंपाउंड है यहाँ पे बना हुआ, और पूरा बाकी ये देखिए बाकी एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइस ये हो गया, और अब आगे चलता हूँ मैं, आपको एक गैलरी भी दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर से ऊपर चल के दिखाते हैं आपको तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो कुछ एक पार्ट्स मैंने दिखाए थे ना आपको, वो वहाँ पे भी रखे हुए हैं, और ये कुछ इंजन वगैरह है ना वो देखिए, वो वहाँ पे इसको जो प्रोपेलर बोलते हैं ना, और कुछ जो यूज़ होते होंगे वो सब यहाँ रखे हैं। सबसे अच्छा मुझे जो लग रहा है ना, ये ग्लाइडर लग रहा है, ये इतना बड़ा ये जो दिखा रहा है यहाँ पर पूरा, ये ग्लाइडर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और आपको ऊपर चल के दिखाते हैं, ये सामने जो है ना म्यूज़ियम की गैलरी है, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, ऊपर चलते हैं। और गाइज ये ना गैलरी बनी हुई है यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की, यहाँ पे वर्ल्ड वार और जो भी और वॉर रहे होंगे ना उनकी भी जो है ओल्ड फ़ोटोज़ यहाँ पे दे रखी है। यहाँ से एक तरह का जो है ना टेरेस बना रखा है यहाँ पे ऊपर आने के लिए, ये देखिए। और यहाँ से आप पूरे इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा जो म्यूज़ियम है यहाँ पर, ये गैलरी पूरी की पूरी, और यहाँ से कितना शानदार लग रहा है, सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स एक साथ रखे हुए हैं, ये देखिए ये देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
तो गाइज़ इसका जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो इसकी टाइमिंग है वो टाइमिंग है 9 बजे से 5 बजे तक की। अभी 2:30 बजे, अब 3 बज चुके हैं इस समय जब हम यहाँ पे आए थे। तो गाइज़ ये मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत अलग अलग जगह जो है मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपने चैनल पर। और अब वीडियो जो है कंटिन्यू आते रहेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो गाइस ये देखिए, ये मैं यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ और आई होप कि आपको पूरा का पूरा कंपाउंड दिख रहा होगा। ये देखिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं आया था अभी, मैं जो है कई दिनों बाद में वीडियो बना रहा था, तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आए हुए। तो अभी जो है ना नीचे चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, वो जो है ना उस साइड की तरफ है, उधर चलते हैं और आपके दिखाते हैं आगे। तो गाइस ये है एंट्री, ये देखिए यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री गैलरी। और इसका जो टिकट है ना गाइस ये अलग से है, और ये आपको मिलेगा 25 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का जो है ये अलग से मिलेगा। और ये रही गैलरी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले IF कलर प्रेजेंटेशन दिखा रखा है यहाँ पे, और ये सब आ रखा है, और बैजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, बैजेस जो है। और क्योंकि गैलरी है ना गाइस, तो यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, द बिगनिंग करके। और देखिए यहाँ पे ना एक जाइंट बुक बना रखी है, इसमें लिखा हुआ इंडियन एविएशन एंड एविएटर्स, तो उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, कश्मीर वॉर के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक ये मिनीचर बनाया हुआ है काफ़ी सुंदर सा। और ये देखिए, और गाइस ये देखिए यहाँ पर ना काफ़ी छोटे छोटे मिनीचर्स बनाए हुए हैं, मॉडल्स हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स के, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए वाह, उनके मेजर जो है मिनीचर्स आए हुए हैं, ये कॉस्ट्यूम्स है यहाँ पे। और यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रखी है नीचे यहाँ पे, जैसे कि ये 1971 से लेके और 1984 में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था उसका। और ये भी एक बैटलफील्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे, देखिए द एरियट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स एज लोंगेवाला, तो ये एक वो बनाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना डायमंड शेप की जो है IF डायमंड जुबली कैप्सूल, जो एक तरीके की काफ़ी बड़ी ट्रॉफी टाइप समथिंग है, वो यहाँ पे फीचर कर रखा है। ऐसे एक यहाँ पे है, ये देखिए प्लैटिनम जुबली कैप्सूल है, ये जो वहाँ के रेजिमेंट को मिलती होगी, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ये कैप्सूल काफ़ी सुंदर है, और इसमें ये देखिए यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट बना हुआ है यहाँ पे, और एक एयरक्राफ्ट नीचे बना हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देखिए गाइस यहाँ पर जो है ना स्टैम्प्स दे रखी है पुराने जो टाइम की, जो कि भारत सरकार ने एयरफोर्स के लिए जारी किया गया हुआ, टाइगर्स ऑफ द स्काई, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पुराने जो है यहाँ पे काफ़ी सारे गैलरी बनी है यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ परचेज भी कर सकते हैं अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी गैलरी बनी हुई है यहाँ पे, आप परचेज कर सकते हैं, इनके प्राइस भी यहाँ पे साथ में दिए हुए, और इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस इधर से तो हम अभी आ गए थे ना वहाँ से होते हुए, और अभी यहाँ पर मैं आपको इधर भी ले आया हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं ना वो रखे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें एक का तो अभी ऊपर ये पॉलिथीन लगा रखी है, बाकी एक लिबरेटर B-24 करके यहाँ पे आ रखा है, और ये सारे जो है यहाँ पर दे रखे हैं काफ़ी सारे।
मौसम थोड़ा सा अच्छा होता ना तो काफ़ी अच्छा लगता। फ़िलहाल धूप बहुत तेज़ हो रखी है यहाँ पे। कैनबेरा है यहाँ पे, ये देखिए ये रहा, और ये देखिए। और अभी तक गाइस ताज्जुब की बात है कि अभी बहुत देर हो गई लेकिन मुझे एक्चुअल में कोई एयरप्लेन जो दिखाई नहीं दिया मुझे आसमान पे, इवन जबकि आई जाए एयरपोर्ट बिल्कुल पास में। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये देखिए इसके ब्लेड्स कितने बड़े बड़े हैं जो एक्चुअल में, देखिए यहाँ से इधर से मैं दिखा रहा हूँ, वाओ ये देखिए। तो काफ़ी बड़ा जो है ना ये हेलीकॉप्टर, आई थिंक ये तो काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर है जो कि वॉर में यूज़ होता होगा, और वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रहा बीच बीच में तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और ये शेयर भी करते रहे नए नए वीडियोस के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मिसाइल्स जो है रखी हुई हैं, इनके जो बॉम्ब्स हैं गाइस, जो बॉम्ब जो एयर वॉर में यूज़ होते हैं वो है एक ये वाला, देखिए सिल्वर कलर का कितना बेहतरीन ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये इंडियन एयर फोर्स IZ I-590 मॉडल है ये रखा हुआ है। तो गाइस जो लोग एक इंडियन एयर फोर्स से रिलेट रखते होंगे ना उनको ज़्यादा नॉलेज होगी और उनको थोड़ा सा अच्छा लगता होगा। और उस साइड में आपको जो है वॉशरूम जाने का रास्ता मिलेगा, एरोमेंट मेमोरियल, और गाइस वहाँ पे एक गैलरी नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, हेरिटेज हिस्ट्री आर्मामेंट मेमोराबिला बिलिया, उधर भी चलते हैं अभी। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो है ना ड्रोन्स दे रखे हैं कई तरह के। तो गाइस देखिए काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है सारा कुछ, बैठने के लिए है। हाँ यहाँ बैठ सकते हैं, और उधर है वॉशरूम, बट इधर एक गैलरी हो रहा है, हीरोज़ गैलरी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ चलते हैं। हाँ और ये है ट्विन गैलरीज, हीरोज़ गैलरीज जो कि नाम दिया हुआ है, और अंदर चलते हैं देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया हुआ है। तो गाइस देखिए पहले अंदर आते ही एक कॉस्ट्यूम दे रखा है यहाँ पर, कोई एयर चीफ मार्शल है उनकी जो वर्दी दी हुई है वो है यहाँ पे। देखिए लेफ़्ट साइड में भी कॉस्ट्यूम्स दिए हुए हैं और गैलरी के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है जो ट्रॉफीज़ होती है और काफ़ी कुछ यहाँ दिया हुआ है। देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट करता है हॉक, उसको यहाँ दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ें हैं, जो पीछे वाली गैलरी थी गाइस बिल्कुल सेम बनाया हुआ है ये भी, और इसी तरह से बनी हुई है। ये देखिए वीर चक्र जिनको मिले थे ये उनकी लिस्ट है, यहाँ महावीर चक्र परमवीर चक्र जो जिनको सम्मानित किया जाता है उनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। ये आइए देखिए शौर्य चक्र, जिन लोगों को जिन ऑफिसर्स को शौर्य चक्र मिला उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है पूरी की पूरी, और रैंक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है कि कौन कौन से ऑफिसर की जो रैंक होती है, तो उसका जो बैज जो रिबन लगा होता है वो किस तरह का होता है। और यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे ना फ्लैग्स दे रखे हैं जो उस समय यूज़ होते होंगे, और इसमें बारे में भी नीचे दिया हुआ है सारा कुछ, ये सब है देखिए ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये चीफ मार्शल है उनकी यहाँ पे वर्दी की यूनिफॉर्म जो वो दी हुई है, और ये देखिए उस समय के जो वेपन्स यूज़ करते होंगे ना तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दिखा रखी हैं, और जो कि लैंसडाउन का जो कंटेनमेंट एरिया था ना वहाँ पे जो है मैं देख नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा दिखा रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो रियल में यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, कार्ट्रिजेज है जो जो बंदूक वगैरह होती है, और सोर्ड्स हैं देखिए उस टाइम की जो सोर्ड्स यूज़ किया कर होती थी वो यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर भी ये सब ओरिजिनल है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो ये देखिए गाइस ये कॉकपिट दे रखा है पूरा, जिसमें जो है पायलट बैठते हैं वहाँ पे चलाने के लिए, ये देखिए। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे रडार मॉडल है, यहाँ पे जो रडार्स होते हैं ना सिग्नल पकड़ने के लिए उनका यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे ही। और ये क्या है, ये कैमरा है गाइस, एयरक्राफ्ट गन कैमरा, ये देखिए जो उस समय यूज़ होते होंगे, पुराने विंटेज स्टाइल के कैमरे हैं, कितने पुराने हैं ये देखिए।
काफ़ी सारे पुराने हैं, इनके यहाँ दे रखा है, इनके फिल्म्स वगैरह ये देखिए। और एक ये रहा एक एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। वाह, तो गाइस ये था एक और म्यूज़ियम जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आई होप कि यही ये लास्ट जो थी गैलरी थी यहाँ पे म्यूज़ियम की, तो इससे आगे चलते हैं और अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी दिखाते हैं आपको। और गाइस ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके पीछे जो है एक कैंटीन बनी हुई है, तो जब कोई इधर विजिट करेगा ना तो वो यहाँ पे आ सकता है और कैंटीन में जो है खाना पीना कर सकता है। और गाइस ये देखिए यहाँ पे रेमनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी साइबर जेट एयरक्राफ्ट शॉट डाउन जो है उनको यहाँ पे रखा गया है, जो कि पाकिस्तानी के जो भी पाकिस्तान के जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह और टैंक्स वगैरह गिराए गए थे ना इंडो पाक वार के टाइम पे, तो वो यहाँ पे उनको यहाँ पर रख छोड़ा गया है। वो देखिए सारा वो सब डिस्ट्रैक्टेड पार्ट्स है जो वो रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सब है युद्ध विजय स्मारक यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ एक और ये दो जो है टैंक्स रखे हुए हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं वहाँ पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में जो यूज़ हुआ था सामान उन सब के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, और एक ये पार्ट भी देखिए उसी का है, लेकिन इसको जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया गया यहाँ पे, ये भी उसी का ही पार्ट बना हुआ है। गाइस देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो है कैंटीन बनी हुई है जस्ट म्यूज़ियम के जो पूरा बंकर बना हुआ है ना उसके जस्ट बाहर में, ये जो है लॉन्गे वाला लॉन्च करके जो बना हुआ है ये कैंटीन है। अब ये कितनी महंगी है सस्ती है तो पता नहीं, आगे अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। और गाइस तो ये था वीडियो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम का दिल्ली का, तो अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही नई वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए अलग अलग टाइम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Have a nice day. Goodbye. Thank you.